जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और इंग्लैंड के बीच में पहले टेस्ट मुकाबले का जो तीसरा दिन खेला जा रहा है उसी के बारे में लाइव डेट अभी क्या है इस मुकाबले की, तो पूरी डिटेल जानकारी जानने के लिए आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि ऋषभ पंत आज जब रहे थे बल्लेबाजी तो उस दौरान बीच मैदान पर ओली रॉबिन्सन ने ऋषभ पंत के साथ किया कुछ ऐसा कि देखने के बाद आपको भी आएगा गुस्सा, अब इंग्लैंड के इस गेंदबाज को मिलेगी सजा। तो दोस्तों आखिरकार क्या ये बीच मैदान पर आज तीसरे दिन देखने के लिए मिला वाक्य उसके बारे में भी बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी क्वारंटाइन में रह रहे सूर्य कुमार यादव का हाल पूछने होटल के बाहर पहुंचे रोहित शर्मा और उनकी पत्नी, फिर हुआ कुछ ऐसा कि वीडियो देखकर आपकी भी छूट जाएगी हंसी। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे, तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच यहां ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण समाप्त करना पड़ा, जहां पर भारत ने स्टंप्स तक 4 विकेट पर 125 रन बनाए थे। और वहीं दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम 58 रन से पीछे चल रही थी। तो दोस्तों भारत ने इंग्लैंड की पहली पारी पहले ही दिन 183 रन पर ढेर कर दी थी, जहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की थी। जी हां दोस्तों, पहले दिन के मुकाबले के दौरान भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से अपनी पुरानी वाली लय में दिखाई दिए, तो वहीं मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर ने भी शानदार गेंदबाजी करी, जिसके चलते भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को काफी कम रनों पर ही रोक दिया था। और एक समय पर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच में काफी बड़ी बढ़त हासिल करेगी, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के साथ पहले दिन तो सब कुछ सही हुआ, लेकिन जब दूसरे दिन रोहित शर्मा और केएल राहुल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो भारतीय बल्लेबाजों के लिए दूसरा दिन कुछ ज्यादा खास रहा नहीं। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज कप्तान विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा इन सभी से उम्मीद थी कि अच्छी पारी खेलेंगे, लेकिन दोस्तों इन तीनों ही खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को निराश किया। दरअसल दोस्तों दूसरे दिन पहला बड़ा विकेट भारतीय टीम का रोहित शर्मा के रूप में गिरा था, जहां पर ओली रॉबिन्सन ने सैम करन के हाथों रोहित शर्मा को कैच आउट करवाया था और रोहित शर्मा यहां 36 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं रोहित शर्मा के बाद जब मैदान पर पुजारा उतरे तो पुजारा ने एक बार फिर से अपना फ्लॉप शॉट जारी रखा। जी हां दोस्तों, पिछली कई पारियों से फ्लॉप चले आ रहे चेतेश्वर पुजारा ने मात्र 4 रन की पारी खेली और उनका विकेट जेम्स एंडरसन ने लिया। तो वहीं दोस्तों जेम्स एंडरसन द्वारा चेतेश्वर पुजारा का विकेट लिए जाने के बाद फिर उन्होंने कप्तान विराट कोहली को भी अगली ही गेंद पर पवेलियन भेज दिया, जहां पर अपने खराब शॉट को खेलने के चक्कर में विराट कोहली काफी ज्यादा निराश भी नजर आए। तो वहीं उपकप्तान अजिंक्य रहाणे भी कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए, उपकप्तान अजिंक्य रहाणे मात्र 5 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे। हालांकि दोस्तों मैदान पर अभी केएल राहुल जो कि 57 और ऋषभ पंत 7 रन बनाकर टिके हुए हैं, और ऐसे में उम्मीद है कि आज तीसरे दिन के खेल के दौरान ऋषभ पंत और केएल राहुल अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शुरुआत में तो इंग्लैंड टीम के गेंदबाजों को खूब झकाया और रन भी बटोरे और साथ में अच्छा डिफेंस भी किया, लेकिन दोस्तों आज जब केएल राहुल और ऋषभ पंत मैदान पर उतरेंगे तो उनकी एक ही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि उनको थोड़ा बड़े बड़े शॉट लगाने की बजाय कुछ एक दो रनों पर भी ध्यान देना होगा। और जिस तरह से गेंद घूम रहा है उसको लेकर भी भारतीय बल्लेबाजों के अंदर जरूर चिंता होगी, क्योंकि इस गेंद को खेलना हर एक बल्लेबाज के बस की बात नहीं होती। और ऐसे में अब ऋषभ पंत से सभी को यही उम्मीद होगी कि जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना शानदार प्रदर्शन कर दिखाया था वो यहाँ इंग्लैंड की पिचों पर भी वैसा ही प्रदर्शन कर दिखाएं और भारतीय टीम को पहली पारी में लीड की तरफ आगे बढ़ाएं। तो वहीं दोस्तों अभी भारतीय टीम 58 रन से इंग्लैंड की टीम से पीछे है और भारतीय टीम के 125 रन पर ही 4 विकेट गिर चुके हैं। हालांकि ऋषभ पंत और केएल राहुल के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर का आना भी अभी बाकी है। बाकी दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है भारतीय टीम के बारे में और आपको क्या लगता है कि आज तीसरे दिन भारतीय टीम के बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर पाएंगे या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है क्वारंटाइन में रह रहे सूर्य कुमार यादव का हाल पूछने होटल के बाहर पहुंचे रोहित शर्मा और उनकी पत्नी। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ श्रीलंका के दौरे के बाद इंग्लैंड पहुंच चुके हैं और भारत ने 4 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज कर दिया। तो वहीं दोस्तों सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ को सुमन गिल तथा मयंक अग्रवाल
अग्रवाल के रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया, जहां पर इंग्लैंड पहुंचकर इस भारतीय बल्लेबाज ने अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट डाली, जिसे देखकर फैंस गदगद हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, यादव अभी क्वारंटाइन में हैं और उन्होंने रोहित शर्मा के परिवार को होटल के सामने देखकर अपनी खुशी जताई और स्टोरी डालते हुए लिखा, देखो कौन देखने आया है, मैं सही से अपने क्वारंटाइन में हूँ या फिर नहीं सैमी। तो वही दोस्तों, आप यहाँ पर उनका ये पोस्ट भी देख सकते हो। बाकी आपकी क्या राय इनके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच सफलतापूर्वक खेला जा रहा है, जहां पर पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भले ही बारिश ने दखल डाल दिया, लेकिन अभी भी भारतीय टीम काफी अच्छी मजबूत स्थिति में चल रही है। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी करते हुए 65.4 गेंदों में 183 रन बनाए थे, जहां पर 183 रन की पारी के दौरान इंग्लैंड टीम के पूरे 10 विकेट गिर चुके थे और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन किया नहीं था। तो वहीं 183 रनों के जवाब में जब भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल एक बार फिर से मैदान पर उतरे, जहां पर रोहित शर्मा ने 36 रन की पारी खेली। तो वहीं केएल राहुल अभी भी 57 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए, 57 चौके लगाए और वहीं जर्मेन ब्लैकवुड को पीछे कर उन्होंने ये बड़ा इतिहास अपने नाम का, जैसे खिलाड़ियों को पीछे कर एक नया ही कीर्तिमान रच देंगे। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर ऋषभ पंत से हर किसी को काफी ज्यादा उम्मीद है कि वो ये इतिहास जरूर रचेंगे। बाकी अब आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत ऐसा कारनामा करने में आज कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये, जेम्स एंडरसन ने पहली गेंद पर किया विराट कोहली को आउट, टूटा धोनी का अनचाहा रिकॉर्ड। जी दोस्तों, भारतीय कप्तान विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट की पहली पारी में फ्लॉप रहे, जहां पर दूसरे दिन के खेल के दौरान बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान विराट कोहली पहली ही गेंद पर जेम्स एंडरसन का शिकार बन गए, जहां पर एंडरसन ने उन्हें विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच आउट कर विराट कोहली सबसे ज्यादा 0 रन पर आउट होने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट में एमएस धोनी को पछाड़ते हुए तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, बतौर कप्तान विराट कोहली 9 बार 0 रन के स्कोर पर आउट हुए हैं, यहां पर विराट कोहली ने यह इतिहास रचा है। बाकी आपकी क्या राय है विराट कोहली के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नॉटिंगम ट्रेंट ब्रिज में खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जहां पर जो रूट का ये फैसला टीम के हक में साबित नहीं हुआ था। हालांकि दोस्तों, इस मैच में दूसरे दिन का खेल बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।